बहुत ही अच्छा बारिश का मौसम हो रहा था, और बारिश इतनी बढ़िया बारिश का मौसम देख के मुझे ना एक गाना याद आ गया। वो गाना ऐसा है कि सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रारा झूमे ऐसे जैसे वन माना चे मो। तो फिर मुझे ना बारिश को लेके किस्सा याद आ गया अपने दोस्त के बारे में। मेरा एक दोस्त था राइटर, तो वो बारिश का बहुत बड़ा प्रेमी था, वो बहुत प्यार करता था बारिश से, उसे बहुत पसंद था मानसून। तो मुझे उसका ही किस्सा याद आ गया, तो मैंने सोचा ये उसी के बारे में उसकी कहानी सुनाते हुए आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने पेन और पेपर लिया और मैं वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने वीडियो की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर ली। तो राइटर को ना बारिश बहुत पसंद थी, मतलब जब भी मानसून का मौसम आता था, बारिश होती थी, तो वो अलग ही पागल हो जाता था। बहुत ही अच्छा लगता था उसको बारिश में, उसको बहुत प्यार था बारिश से। जब भी बारिश होती थी तो वो बाहर चला जाता था बारिश में, नहाने चला जाता था। बट एक चीज़ ये कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद बारिश, मतलब नहीं नहाना चाहिए बारिश में। ऐसे अगर बारिश में नहाओगे तो ठंडा लगेगा, सर्दी जुकाम हो सकती है, ये मतलब मैं कभी नहा ही नहीं सकता बारिश में, कभी नहाऊँ मैं, बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करता, मना करता हूँ मैं इस चीज़। उसे बारिश बहुत पसंद थी, और उसके साथ साथ वो एक और चीज़ पसंद थी, वो था वीडियोस बनाना। वो वीडियोस शूट वगैरह करता था, एडिट वगैरह करता था, उसे तो वो भी अच्छा लगता था राइटर को। तो वो क्या करता था कि बारिश में वो बाहर जाके शूट करने की सोचता था, वीडियो बनाने की सोचता था, बट कई बार वो बाहर नहीं जा पाता था। तो वो क्या करता था कि वो ना घर के अंदर बैठ के वीडियोस बनाता था, मतलब बाहर खिड़की से वीडियो बना लेगा बारिश की, क्योंकि तो बहुत पसंद थी। वो कहता था कि यार मतलब तुम देखो पूरी प्रकृति एकदम हरी हरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो सब कुछ वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, सब कुछ कितना सुंदर सा लगने लगता है। पहाड़ धुल से जाते हैं, तो दूर जो दिखते पहाड़ दिखते हैं ऐसा लगता है कि वो नज़दीक दिख रहे हैं, मतलब वो धुल से गए हैं, ऐसा वो बोलता था। तो राइटर जो बंदा था वो कई बार मानसून के मौसम में पहाड़ों में जाके वीडियो भी बनाता था। तो वो कई बार क्या करता था कि वीडियो बनाता था, फिर उसको एडिट वगैरह करके एज अ व्लॉग वो यूट्यूब पर भी डाल देता था। वैसे यूट्यूब पर तो मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, बट मुझे इंगेजमेंट नहीं मिलती, वैसे कंसिस्टेंसी भी नहीं है उतनी। आई गेस जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो फिर इंगेजमेंट भी आ जाएगी। तो राइटर भी पार्ट टाइम वीडियोस डाल लिया करता था यूट्यूब पे। तो मुझे एक बार का किस्सा याद आता है राइटर का। बारिश का मौसम था, एक दिन वो अपने घर पे ऐसे फ्री बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि उसने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई उस दिन, उसने शूट करा। तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, अब अगर देखना चाहो तो आप जाके देख सकते हो। तो उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उसने अपने एक दोस्त की कहानी बताई थी जिसे बारिश बहुत पसंद थी।